पर्सन ने कितना हारा? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट इज सिंपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उसको हम क्या एनालाइज करना होता है हमने कि वेदर ही इज और हर ट्रेनिंग इज गोइंग अप टू द मार्क और नॉट। फॉर दैट देर इज, जैसे हमारा एकेडमिकली में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सेम इन स्पोर्ट्स में वी आर टेकिंग सच टाइप ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएट करते हैं हम उसको, ठीक है। इट इज ए, जैसे आपको एकेडमिकली में इट इज ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की सीरीज होती है, आपने उसको सॉल्व करना होता है। सेम इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज देर इज ए सम टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट बने होते हैं, हम गो थ्रू करते हैं उसके, उसको टेस्ट को, उसको आपने अभी सुना होगा, वेन एवर एनी स्पोर्ट्स पर्सन इज इंजर्ड, ठीक है, कोई भी अगर इंजरीज किसी स्पोर्ट्स पर्सन को होती है तो उसके बाद उसको क्या करना होता है? क्या करते हैं बेटा वो दोबारा से टीम में आने के लिए? रेस्ट लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं हाँ जी, सर, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, मेडिसिन्स वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, फिर बाद में फिर प्रैक्टिस करते हैं सो दैट वो मैचअप कर सके एनर्जी। हमने रेस्ट ले लिया, प्रिकॉशन ले लिए, सब कुछ ले लिया। आपका इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया, वो ठीक हो गया, उसने प्रिकॉशंस ले लिए, सब कुछ हो गया, व्हाट द नेक्स्ट फाइनल स्टेज? उसके बाद बेटा उसको अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। कोई भी अगर आप गेम अगर खेलते हो उसमें एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है आफ्टर एनी इंजरीज। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो उसी के बाद आपको टीम में लिया जाता है। दिस इज द मेन रीजन। आप क्रिकेट देख लो, विराट कोहली आपका कैप्टन है, इतना अच्छा प्लेयर है, पीछे राणा है, वो इंजर्ड हो गया था, जडेजा, ठीक है, जो भी आपके अच्छे फील्डर्स है, इवन दैट आफ्टर हैविंग इंजरीज दे हैव टू गो थ्रू विथ पर्टिकुलर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और वो टेस्ट को क्लियर करके ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है फिजिकल फिटनेस का, उसके बाद ही आप टीम में वापसी करते हो, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट उन्होंने टेस्ट रखे हुए हैं ताकि वो फिटनेस उसकी एथलीट की चेक कर सकें। तो उस इसीलिए हमने क्या, इट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट आर यूज फॉर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स और एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप टू इवेल्युएट दैट, ठीक है। हमने स्पोर्ट्स में क्या करना, उसके टेस्ट के थ्रू डिफरेंट हमने टेस्ट रखे हैं, डिफरेंट आपके स्ट्रेंथनिंग का, इंडोरेंस का, फ्लेक्सीबिलिटी का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, जो चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं स्पोर्ट्स में, ये सारी चीजों का टेस्ट होता है। फिर हम इवेलुएट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसी से पता लगता है हमको उसका प्लेयर्स का फिटनेस लेवल का कि वो फिट है और नहीं है। और मेजरमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच द परफॉर्मेंस और फिटनेस एबिलिटी, उसकी जो नॉलेज है पर्सन की, उसको हम मेजर करते हैं विद वेरियस स्टैंडर्ड टूल्स, डिफरेंट टूल्स बने होते हैं, ठीक है, उसमें वो पूरा उतरता है कि नहीं है, उसमें हर चीज आपकी चेक की जाती है, दैट इज मेजरमेंट, उसको माइन्यूटली हम चेक करते हैं, ठीक है। उसी के बाद आपका फर्दर आपकी जो ट्रेनिंग मेथड है, जितना भी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है, वो सारा बेस होता है फिटनेस लेवल ऑफ द ट्रेनिस, ठीक है, वो स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस लेवल्स क्या है। ये नहीं कि आप उसको छोटे को बड़े को आपने एक ही टूल में, एक ही आपने क्वेश्चन में, अब आपको आईएएस का एग्जाम कुछ होगा, पीपीएस का कुछ और होगा, ठीक है, एनडीए आप जा रहे हो वहां का कुछ और होगा, तो देर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, तो सेम आपका हर स्पोर्ट्स में आपका डिफरेंट टेस्ट होते हैं रिगार्डिंग योर गेम। और एक जनरल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, वो सबके लिए फिटनेस का होता है कि आप में उसमें आपकी कंडीशनिंग, आपकी रनिंग, उससे आपको ये पता लगता है कि आपको कोई फर्दर कोई इंजरीज है या उसका इम्पैक्ट कोई रह तो नहीं गया है। जैसे हम एनआईएस करते हैं, ठीक है,
या हम किसी भी ट्रेनिंग में अगर हम जाते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी भी सेंटर्स में फॉर क्वालिफाइड कोचिंग ऑफ एनी डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं NIS, ठीक है, हर गेम की जो आपकी कोचिज के लिए क्वालिफिकेशन होती है दैट इज NIS. तो सपोज हम वहां पे जाते हैं, वी आर वेरी गुड प्लेयर, वो ये नहीं देखेंगे आप प्लेयर कितने अच्छे हो, उन्होंने सबसे पहले आपका क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट देखना, मेडिकल फिटनेस लेवल देखना, आपका ग्राउंड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, आपका गेम का टेस्ट होगा, आपका थ्योरी का टेस्ट होगा, देन वाइवा होगा. ठीक है, ये क्यों लेते हैं बेटा हम, बिकॉज सपोज वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, बट अगर हमने किसी को कोचिंग देनी है, अगर हमने NIS करनी है, तो हमको बच्चों को डेमोंस्ट्रेट करना होता है. अगर हम किसी स्किल्स को बच्चों को डेमोंस्ट्रेट करेंगे तभी बच्चों को पता लगेगा कि इस चीज को कैसे पकड़ना है, कैसे फुटवर्क करना है, आपकी पोजीशन बॉडी की क्या होगी है, वो हम तभी बता सकेंगे जब हम फिट होंगे. तो फॉर दैट वो क्या करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेते हैं, और देर इज अ वेरी वेरी हार्ड ट्रेनिंग. फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको NIS में वो इतना फिटनेस आपका करा देते हैं, इतनी आपकी मॉर्निंग इवनिंग रनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, डिफरेंट स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको बिल्कुल दोबारा से फिट कर देते हैं, वो इतनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग चलती है. तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, वो मेडिकल इसीलिए कहते हैं करते हैं कि सपोज अगर आपको कोई इंजरीज है, अगर आप थोड़े दिन रनिंग करोगे एक्सरसाइज करोगे तो आपको वो इंजरीज दोबारा हो जाएगी, तो यू कांट कंटिन्यू योर ट्रेनिंग्स, इसीलिए वो पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है आपका, बीवी इशू, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी हार्ड ट्रेनिंग. आपको पता है ना आर्मी में जाने से पहले भी क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है ना. यस सर. किसी फोर्स में जाना हो वहां पे मेडिकल टेस्ट होता है आपका, सबसे पहले उनका प्राइस जो मेन होता है वो हाइट वेट आपका, जो डिफरेंट उन्होंने रखा होता है कि 1600 मीटर 1600 मीटर आपने इतने टाइम में करनी है, आपका लॉन्ग जंप हाई जंप डिफरेंट जो आपके क्राइटेरिया है फोर्सेस का डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वो सबसे मेन होता है क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग होती है वो दैट इज वेरी हार्ड, उसमें आपको थ्रू आउट द डे यू आर ऑन योर टोज, आपको अपने टोज पे रहना होता है, तो वो आप तभी कर सकते हो अगर आप फिजिकली फिट हो गए. तो मतलब मेन इसका ये पर्पस होता है, अगर आप नो डाउट यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आपके आप इंटरनेशनल प्लेयर हो. आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन करनी है तो उसके लिए भी ग्राउंड टेस्ट है. ठीक है, आपकी स्टडी तो काउंट करते हैं, आपका सर्टिफिकेट स्टडी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट सारा कुछ लगेगा, बट देर इज ऑल्सो वन ग्राउंड टेस्ट. वो ग्राउंड टेस्ट अगर आप क्लियर करोगे देन यू आर एलिजिबल. अगेन देर इज अ सेम मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिकल क्लासेस, आपको ग्राउंड में सारा दिन रहना होता है, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है. तो सम ऑफ द फिटनेस के लिए इन्होंने क्या बनाया है, मोटर फिटनेस टेस्ट. ठीक है, उन्होंने मोटर फिटनेस टेस्ट डिफरेंट बनाए हैं जिससे हम किसी भी प्लेयर्स की क्या फिटनेस चेक कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम वो टेस्ट कराते हैं तो उससे हमको पता लगता है कि ये प्लेयर में फिटनेस लेवल क्या है, उसकी मोटर फिटनेस, रनिंग जंपिंग, ठीक है, थ्रोइंग वॉकिंग, ये हमारी मोटर एबिलिटीज होती हैं. ठीक है, तो उससे हम फ्रॉम दिस फॉलोइंग टेस्ट वी कम टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ द एन एथलीट. कोई भी जनरल पर्सन है उसकी क्या फिटनेस लेवल है उसका, ठीक है, उससे हमको पता लगता है. और फिटनेस बहुत ही जरूरी है, अगर आपने किसी की भी गेम को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खेलना है, अगर आपने इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट योर कंट्री, ठीक है, यू आर अ नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, तो उतना ही ज्यादा आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम यू आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, आपके कॉम्पिटिशन होते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू गिव योर 100%. फॉर दैट योर फिटनेस लेवल इज वेरी वेरी गुड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आप 2 मैच खेलते हो 4 मैच खेल रहे हो, आपको कोई इंजरी हो जाती है, देन यू विल बी आउट फ्रॉम द गेम. और इतना आजकल कॉम्पिटिशन है, अगर आप साल तक आउट ऑफ गेम अपने रहते हो, इंजरी से बाहर रहते हो, तो नेक्स्ट आपके जो
बहुत से लोग बैठे हैं, दोज हु आर नॉकिंग द डोर ऑफ देयर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये चांस जिसको अवेल हो गया, जिसने अपनी फिटनेस रख ली है, वो लंबे टाइम तक गेम खेल सकता है, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम। तो इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट में हम करेंगे सबसे पहले आपका 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है। 50 मीटर्स का आपका स्टार्ट हो गया, फर्स्ट स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब क्या होता है, 50 मीटर्स आपने रनिंग करनी है, 100 मीटर में हम सीटिंग स्टार्ट लेते हैं, जो बैठ के स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कम होता है, हम स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। देन 600 मीटर रन आपकी होती है, रन एंड वॉक, ये स्टैंडिंग स्टार्ट हो गया आपका। स्टैंडिंग स्टार्ट बेटा आपका कहां पे यूज होता है, एक आपका ये 50 मीटर्स जो हम स्टैंडिंग स्टार्ट है, दिस इज द मोटर फिटनेस टेस्ट। अदरवाइज स्टैंडिंग स्टार्ट हम जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं, मिडल डिस्टेंस रेसेस होती हैं, वहां पे हम स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं। स्टैंडिंग स्टार्ट मींस कि आपने स्टैंडिंग पोजीशन में अपना इवेंट को शुरू करना है। सीटिंग पोजीशन हम करते हैं स्प्रिंटिंग इवेंट में, 100 वगैरह मीटर रेस में सीटिंग स्टैंड स्टार्ट लेते हैं। देन सिट एंड रीच टेस्ट इसमें आ जाता है आपका, सिट एंड रीच टेस्ट। दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देन कर्ल अप, कर्ल अप पार्शियल कर्ल अप, आपने सीधा नीचे लेट जाना है ग्राउंड में, ठीक है। आपकी लेग्स फोल्ड होगी, देन यू हैव टू लिफ्ट योर अपर पोर्शन अपवर्ड, ये पार्शियल कर्ल हो गया। देन पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, वो पुशअप्स आपके आ जाते हैं। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंट होता है, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं जिसमें आप अपना नीज को ग्राउंड में रख सकते हो, ठीक है। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, लास्ट में आपका उसका आ जाता है एजिलिटी, एजिलिटी। एजिलिटी को हम क्या शटल रन भी बोलते हैं, शटल रन। ठीक है, ये आपके डिफरेंट टेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम गर्ल्स को इन्वॉल्व कर लें मॉडिफाइड पुशअप्स तो ये आपके 8 हो गए। तो इसमें क्या है, स्टैंडिंग स्टार्ट में आपने क्या करना है, इसमें आपको स्टार्ट का पता होना चाहिए, हाउ यू हैव टू गिव द स्टार्ट, ठीक है। सिंपल है, स्टार्ट जब आपने देना है, ये आपका स्टैंडिंग आपका स्टार्टिंग स्टार्टिंग लाइन है, सिंपल है। आपने सबसे पहले बेटा एक चीज अपने माइंड में रखना है, व्हेन एवर वी डू एनी, कोई भी इसमें से आपने टेस्ट लेना है, किसी का भी लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, वार्मिंग अप, ये ध्यान में रखना है। जब भी आपने कोई एक्टिविटीज करवानी है तो वार्मिंग अप बहुत जरूरी है। विदाउट वार्म अप ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटीज हम नहीं करते। फर्स्ट जो आपका अटमोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी, फर्स्ट जो आपने ग्राउंड में जाके करना है वो आपका वार्मिंग अप है। आप जितना अच्छा वार्मिंग अप करोगे उतना आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे, उतनी आपको चांसेस ऑफ इंजरीज कम होगी। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है, जब भी आपने ये कोई भी आपने फिटनेस के आपने टूल्स को किसी को डिफरेंट एथलीट्स को बोलना है कि आपने पहले वार्म अप करना है, उसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि यू शुड बी इन अ प्रॉपर स्पोर्ट्स गेयर, स्पोर्ट्स
शूज, आपका ट्राउजर्स, आपका जो ड्रेस कोड है, दैट इज अप टू द मार्क रिगार्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. ये आपका मेन होता है. विदाउट आप प्रॉपर किट के, आपने कई जगह देखना ग्राउंड में वो एंटर नहीं करने देते, ठीक है? अगर आपकी किट प्रॉपर नहीं होगी तो आपको ग्राउंड में एंटर नहीं होने देंगे. तो मेन पर्पस क्या है हमारा स्टैंडिंग स्टार्ट का 50 मीटर, दैट इज फॉर स्प्रिंटिंग, ठीक है? जो आप स्प्रिंट इवेंट होता है, फास्ट इंडोरेंस होता है, उसके लिए मेन होता है कि आप में स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड को चेक करते हैं. देन 600 मीटर रन, दैट इज फॉर योर इंडोरेंस, ठीक है? इंडोरेंस आपकी चेक करते हैं. देन सिट एंड रीच टेस्ट, इसमें क्या होता है बेटा, यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर, लेग्स को एक्सटेंड करना है प्रॉपर, ठीक है? लेग्स को एक्सटेंड करके शूज को रिमूव कर देना है, अपने शूज को रिमूव कर देना है. उसके बाद एक बॉक्स बना होता है, ठीक है? ऐसा एक बॉक्स बना होगा, वो बॉक्स बना होगा, यहाँ पे ये लेग्स होगी, ठीक है? ये आपकी लेग्स है, सपोज बैठा है कोई पर्सन, आपने यहाँ पे, ये आपका ट्रेनीज बैठे हैं, उसकी जो लेग्स होगी वो स्ट्रेट होगी इस बॉक्स पे, ठीक है? और जो आर्म्स आपके आएंगे इसके ऊपर, आपने यहाँ पे डिफरेंट मार्क लगे होते हैं, आपने एक्सटेंड करना है अपने आर्म्स को आगे. उसके ऊपर जो ये आपका वुडन का बॉक्स बना होता है, यहाँ पे ऊपर मार्किंग लगी होती है, डिफरेंट आपका मार्क्स लगे होंगे, आपने एक्सटेंड करना है बॉडी को, आगे लेके आना है. अगर आप यहाँ बॉक्स से आते हो, उसके आगे आते हो, उसके आगे आते हो, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल. आपके फीट जो हो स्लाइटली पार्ट होंगे, ठीक है? फिंगर टिप्स बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे पे अलाइनमेंट हो गया, ऐसे हैंड को हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे क्रॉस करके और इसको पूरा स्ट्रेच करते हैं आगे, जितना भी आप बॉक्स के आगे अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो. इसमें प्रॉपर वार्मिंग अप करके ही आपने करनी है, अदरवाइज क्या होगा, मसल पुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. शूज को रिमूव करना होता है सबसे पहले, लेग्स आपकी स्ट्रेट होगी, ये बेंड नहीं होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? तभी आप इसको कर सकते हो. ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बैक की हम चेक करते हैं. देन आपका आ गया कर्ल, ठीक है? कर्ल अप, कर्ल अप मींस पार्शियल कर्ल अप, इसको हम सिटअप्स भी बोलते हैं, वो पूरा हम करते हैं. तो ये पार्शियल है, इसमें पूरा ऊपर नहीं आना होता है सब्जेक्ट ने, एथलीट ने. इसमें आपको एक, आपने प्रॉपर एक मैट ले लिया, ठीक है? मैट ले लिया, मैट सपोज ये आपका मैट है, आपको वहां पे इसकी पिक भी बनी होगी, फोटो बनी होगी आपके बुक में, ठीक है? यहाँ पे ये मैट में ऐसे 2-6 inches का डिफरेंस पे ऐसे 2 marks लगे होते हैं. और जो आपका सब्जेक्ट है, जो एथलीट है, उसने यहाँ पे उसकी हिप यहाँ पे होगी, ऐसे उसने लेट जाना है, ठीक है? ये लेट गया, ये आपका हेड हो गया ऊपर, ठीक है? लेग्स यहां से उसकी ऐसे फोल्ड होगी, बेंड होगी. जो आपके आर्म्स हैं, ये जो उसका आर्म्स है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? इससे क्या होगा, यहां से आपने आना, आपका आर्म यहाँ पे आएगा, बॉडी ऊपर लेके आनी है, आपकी बॉडी ऊपर आएगी, अगेन गो बैक. पार्शियल कर्ल, पूरा बॉडी को ऊपर लेके नहीं आना जैसे हम सिटअप्स में करते हैं. जस्ट यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड, आपके हैंड आगे आएंगे, जब बॉडी ऊपर आएगी फिर अगेन यू गो बैक, ठीक है? दैट इज फॉर योर एब्डोमेन स्ट्रेंथ. जो आपकी एब्डोमेन स्ट्रेंथ है उसको हम इसमें चेक करते हैं. देन आपके पास नेक्स्ट आ गया है, दैट इज पुशअप्स. पुशअप्स एक तो आपका ये बॉयज के लिए हो गया, सिंपल आप करते हैं, जैसे हम दोनों हैंड को 90 degree फ्लैट होना चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं हम अपर पोर्शन ऊपर आ रहा है, बैक नीचे होगी, बैक ऊपर है तो अपर पोर्शन ऊपर आ रहा, ये मतलब नहीं होना चाहिए. यू हैव टू, ये आपकी जैसे बॉडी है, यू हैव टू कीप स्ट्रेट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, ठीक है? आपने अपनी बॉडी को सीधा नीचे लेके जाना फिर ऊपर लेके आना है. नीज आपके एल्बोज पूरे बेंड होगी, एल्बो जो आपका आर्म होगा वो शोल्डर के पास आपके
कंफर्टेबल एज यू फील, आपने अपने साइड ऑफ योर शोल्डर रखनी होती है, देन यू हैव टू बेंड योर बॉडी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। और इसी में बेटा गर्ल्स के लिए क्या होता है, आपने अपनी नीज को ग्राउंड में टच करना होता है व्हाइल यू आर डूइंग पुशअप्स। इसको हम मॉडिफाई पुशअप इसीलिए बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऐसे, व्हाट इज मॉडिफाई पुशअप्स, ये आपको पिक हम दिखाएंगे उस पर आपको मेंशन करना होगा कि दिस इज फॉर गर्ल्स। सिंपल है, इसमें आपने अपनी नीज को ग्राउंड में टच करना है, ठीक है। अब आप उसको टच करके बाकी सेम काम है, आपने बॉडी को डाउनवर्ड लेके जाना है, अपवर्ड लेके आना है। ये जितने भी बेटा हम आपको ये बता रहे हैं, ये सारे मेथड यूज करते हैं फिटनेस लेवल पे, और यही जो आपके मेन फिटनेस के क्या है, कोई भी आप गेम खेलते हो तो सारे मोस्टली लोग क्या है, स्प्रिंटिंग सारे करते हैं, स्प्रिंट की, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस की प्रैक्टिस हर गेम में, क्योंकि हर गेम में आपको स्पीड की बहुत जरूरत है, यू नीड ए वेरी गुड स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप दूसरे प्लेयर को इजिली क्या कर सकते हो, उसको डिसीव कर सकते हो अपनी स्पीड से। देन एंड्योरेंस, एंड्योरेंस अगर आप में होगी तभी आप थ्रू आउट द गेम अपनी फिटनेस के थ्रू अपनी टेक्निक को अपनी स्किल्स को लास्ट मिनट तक एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपने देखा होगा सम ऑफ द प्लेयर्स वो टिल द एंड ऑफ द गेम दे जस्ट फील लाइक ए फ्रेश कि जैसे वो अभी एंटर ही हुए हों गेम में, ठीक है। तो कई लोग थक जाते हैं, बट नाउअडेज देयर इज अ वेरी गुड रूल, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, हॉकी खेलते हो, बास्केटबॉल, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशंस, वो देखते हैं अगर आपकी टीम ने लीड ले ली है, आप मेन प्लेयर को रेस्ट पे ले आते हो, ठीक है। आपको जरूरत है लास्ट में पूरा अपने फाइट बैक करना है तो ठीक है, मेन प्लेयर्स को उतार देते हो, तो देयर इज सम टेक्निकल, वो टेक्निकल चीजें होती है, बट वन शुड बी फिजिकली एनफ फिट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर गेम। आपको पूरी गेम का जितना आपका ड्यूरेशन होता है उसको आप प्रॉपरली उसमें खेल सको और प्रॉपर पार्ट ले सको विथ सेम एनर्जी, देन सिट एंड रीच टेस्ट, ये आपके लोअर बैक, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं आपकी फ्लेक्सीबिलिटी को, देन कर्ल अप, दैट इज फॉर मेन पुशअप्स हम करते हैं, ये कर्ल अप मॉडिफाइड हो गया। यही आपको बेटा दो तीन टेस्ट हैं इसमें से, वो आपको खेलो इंडिया में भी आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला आपका टेस्ट उसमें आ जाएगा, सिट एंड रीच भी आ जाता है, कर्ल अप भी आ जाता है, ये खेलो इंडिया की जो एक ऐप बनी है उसमें भी वो सारे टेस्ट उन्होंने दिए हैं। देन आपका आ गया पुशअप्स, पुशअप्स एंड मॉडिफाई हो गया, देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमने एक स्टेशनरी पोजीशन पे खड़े होना है, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन पे खड़े होके हमने अपनी बॉडी जो है उसका जो वेट हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने बोथ लेग्स पे, ठीक है। ये आपका स्टैंडिंग है ब्रॉड जंप की स्टार्टिंग लाइन, इस लाइन के पीछे आपने खड़े होने, बॉडी वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन योर बोथ लेग्स, दोनों लेग्स पे इक्वली आपका बॉडी वेट होना चाहिए। मेन आपका बॉडी का आर्म का इसमें बहुत ज्यादा आपका क्या एफर्ट्स जो आपकी मेन लगती है, दैट इज फ्रॉम योर आर्म, यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड। आपने यहाँ पे खड़े होना है, यहां से आपने टेक ऑफ करके लैंड करना है आगे, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस होता है वो हम मेजर करते हैं, कितना डिस्टेंस आपने किया, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर लेग्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज की हमको उसमें स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी में। इसी में बेटा एक और आपका आप इसको टेस्ट कर सकते हो, वन फिट, यहां से आपने वन लेग पे जंप करना है, आपने अपना डिस्टेंस चेक करना है, राइट से आपने पहले जंप किया 3 times, 4 times, 5 times, अपना डिस्टेंस चेक कर लो कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, देन यू गो फॉर विद द राइट लेग, राइट लेग से चल जाओ उसका डिस्टेंस चेक कर लो। आपको लगेगा मोस्टली जितने भी आपके लॉन्ग जंपर्स होते हैं वो लेफ्ट फुट से टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वो आपका ये दिस इज इंडिविजुअल,
आप राइट से करो, लेफ्ट से करो, बट दिस इज द वन वे टू फाइंड आउट विच इज योर स्ट्रॉन्ग फिट. आपका कौन सा फिट स्ट्रॉन्ग है जिससे आप टेक ऑफ करके जंप कर सकते हो इजिली. ये भी आप इसमें एक एडिशनल कर सकते हो. वेन एवर यू गो फॉर एनी लॉन्ग जंप, तो उसके लिए आपको इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपने टेक ऑफ जो करना है, जो लॉन्ग जंप होती है वहां पे टेक ऑफ बोर्ड लगा होता है ऐसे, ठीक है, ये टेक ऑफ बोर्ड होता है, इसके आगे एक स्क्रैच लाइन लगी होती है, ठीक है. अगर आपके नेल्स इस पे आ जाते हैं, जब स्पाइक से रनिंग करते हैं एथलीट, अगर आपके स्पोज आप इसको टच करते हो आगे वाली लाइन को, देन इट इज अ फाउल. तो दिस इज योर टेक ऑफ बोर्ड. ये टेक ऑफ बोर्ड से आपको स्ट्रॉन्ग फीट से टेक ऑफ करना होता है. तो ये एक उसको आप अपने फाइंड कर सकते हो कि विच वन इज योर स्ट्रॉन्ग फीट. दैट इज ऑल्सो फॉर दिस स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. देन लास्ट वन आपका आ जाता है एजिलिटी टेस्ट, ठीक है. एजिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये जैसे सपोज आपका ये, ठीक है, ये आपका एरिया है, व्हाट यू हैव टू डू, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, यहां से आपने अपना इवेंट को स्टार्ट करना है. ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग लाइन, ये लाइन आपकी एंड लाइन है. दिस इज एजिलिटी 4 × 10 meters, 4 × 10 meters. ये आपका एरिया 10 मीटर्स है, ठीक है. 4 times आपने इसको जाना है, यहां से आपने स्टार्ट किया 1, 2, 3, देन कम बैक 4, ठीक है. इसमें आपको डिफरेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई कोन रख सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल रख सकते हैं, यू कैन पिक, उसको वापस रखोगे, फिर भागोगे, फिर वापस आओगे, उसको वहां रखोगे, वापस आ जाओगे, ठीक है. दिस इज एजिलिटी. इसको हम क्या बोलते हैं नाउ डेज, शटल रन, ठीक है. इसका एजिलिटी भी नेम है, अब इसको हम बोलते हैं शटल रन. आपने यहां से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, देन कम बैक 4. आपका जो टाइम होता है, आपका वो जो टाइम होगा वो नोट किया जाता है. तो इसमें जो बेस्ट टाइम जिसका होता है उसको हम नोट करते हैं. दिस इज व्हाई दिस टेस्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, कैन यू एक्सप्लेन इन एनी सिचुएशन वेयर वी यूज दिस टेस्ट, इन विच सिचुएशन, एनी वन फ्रॉम यू? हाँ जी, फिर से बोलना. ये जो हमारा शटल रन है, इसको हम शटल रन बोलते हैं, शटल रन. ठीक है, यहां से आपने भागना है यहाँ पे, ठीक है, इसको टच किया, अगेन कम बैक, फिर गए, फिर वापस आ गए. 4 × 10 meters, ये आपका 10 meters एरिया होता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एंड इन विच सिचुएशन इट विल बी हेल्पफुल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, विल यू एक्सप्लेन? बेटा हर, हाँ मैं बताता हूँ आपको, आप कोई भी गेम खेलते हो तो वहां पे आपको ओपोनेंट के हिसाब से अपनी सिचुएशन को चेंज करना होता है, ठीक है. आप भाग रहे हो, आपने किसी को चेस करना, वो राइट हो गया या बैक हो गया या फॉरवर्ड हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन. तो दिस इज द फॉर द पर्पज ऑफ दैट कि यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एंड ऑल्सो यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीड while changing the direction either right, left, forward, backward. ठीक है, this is the main purpose of this test. Now it's okay for today's lecture, बेटा.